महाराजा सुहेलदेव 16 फरवरी को इनकी जयंती होती है। इस मौके पर बहराइच में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने महाराजा सुहेलदेव को याद करते हुए उन्हें देश का महान वीर बताया। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मोदी ने क्या क्या कहा ये तो बताएंगे ही, साथ ही ये जानकारी भी देंगे कि सुहेलदेव कौन थे और यूपी की राजनीति में इनका क्या महत्व है। पीएम मोदी ने समारोह में कहा कि इतिहासकारों ने भारत के कई बड़े वीरों को भुला दिया। सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अम्बेडकर को भी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। इस सरकार ने हर भुला दिए गए देशभक्त को फिर से स्थापित किया है। पीएम मोदी बोले, भारत का इतिहास वो नहीं है जो गुलाम बनाने वाले लोगों ने लिखा, भारत का इतिहास वो भी है जो भारत के सामान्य जन में और लोक गाथाओं में रचा बसा है। आज जब भारत अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, ऐसे में शहीदों को नमन करने से बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। ये दुर्भाग्य है जिन्होंने भारतीयता के लिए जीवन समर्पित कर दिया, उन्हें वो स्थान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। उनके साथ इतिहास लिखने वालों ने जो अन्याय किया उसे अब आज का भारत सुधार रहा है, गलतियों से देश को मुक्त कर रहा है। पीएम मोदी ने किसान कानूनों पर भी बात रखी, कहा कि यूपी में छोटे किसानों ने इन कानूनों के बारे में अच्छे अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को भेजी गई किसान सम्मान निधि और किसान कानूनों को लेकर कंफ्यूजन फैलाने के आरोप भी दोहराए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील का विकास योजना का शिलान्यास किया। महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय और महर्षि बालार्क चिकित्सालय का लोकार्पण भी किया। अब जानेंगे कौन थे ये महाराजा सुहेलदेव। राजा सुहेलदेव को लेकर कोई पुख्ता जानकारी तो इतिहास में नहीं मिलती, लेकिन उनका जिक्र लगातार आता है। 17वीं शताब्दी के मिराते मसूदी के अनुसार सुहेलदेव 11वीं सदी में श्रावस्ती के राजा थे, जिन्होंने महमूद गजनवी के भांजे गाजी सैयद सलार मसूद को युद्ध में हराया था। कवि गुरु सहाय दीक्षित द्विदीन की कविता श्री सुहेल भवानी में सुहेलदेव को जैन राजा बताया गया है जिन्होंने हिंदू संस्कृति की रक्षा की थी। आर्य समाज के जानकार उन्हें एक हिंदू राजा मानते हैं जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं को युद्ध में मार गिराया था। ब्रिटिश गजटियर में कहा गया है कि सुहेलदेव राजपूत राजा थे जिन्होंने 21 राजाओं का संघ बनाकर मुस्लिम बादशाहों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वर्तमान में राजनीतिक दल उन्हें पासी समुदाय से जोड़कर भी देखते हैं। राजा सुहेलदेव के बारे में सबसे पुख्ता जानकारी अब्दुल रहमान चिश्ती के मिराती मसूदी में मिलती है। 17वीं सदी में मुगल राजा जहांगीर के दौर में अब्दुल रहमान चिश्ती नाम के एक लेखक हुए थे। 1620 के दशक में चिश्ती ने फारसी भाषा में दस्तावेज लिखा मिराती मसूदी, हिंदी में इसका मतलब मसूद का आईना होता है। इस दस्तावेज को गाजी सैयद सालार मसूद की बायोग्राफी बताया जाता है। मिराते मसूदी के मुताबिक मसूद महमूद गजनवी का भांजा था जो 16 की उम्र में अपने पिता गाजी सैयद सालार साहू के साथ भारत पर हमला करने आया था। पिता के साथ उसने इंडस नदी पार करके मुल्तान, दिल्ली, मेरठ और सतरिक यानी कि बाराबंकी तक जीत दर्ज की। सतरिक में मसूद को न जाने क्या भाया कि उसने यहाँ टिकने का फैसला कर लिया। टिकने के लिए उसे आसपास के हिंदू राजाओं के से सुरक्षा चाहिए थी। इसके लिए उसने अपने साथियों को आसपास के राजाओं को ठिकाने लगाने भेजा। इनमें से एक खेमे का नेतृत्व खुद मसूद का पिता सालार साहू कर रहा था। बहराइच और उसके आसपास के इलाकों में राजाओं ने मसूद के साथियों से युद्ध किया लेकिन हार गए। हार के बावजूद वो झुकने को तैयार नहीं था। ऐसे में छिटपुट लड़ाइयाँ चलती रहीं। फिर 1033 ईस्वी में खुद सालार मसूद अपनी ताकत पर रखने बहराइच आया। उसका विजय रथ तब तक बढ़ता रहा जब तक उसके रास्ते में राजा सुहेलदेव नहीं आए। सुहेलदेव के साथ युद्ध में मसूद बुरी तरह जख्मी हो गया। फिर इन्हीं जख्मों की वजह से उसकी मौत हो गई। उसने मरने से पहले ही अपने साथियों को बहराइच की वो जगह बता दी थी जहाँ उसकी दफन होने की ख्वाहिश थी। उसके साथियों ने उससे यह वादा निभाया और उसे बहराइच में दफना दिया गया। कुछ सालों में वो कब्र मजार में और फिर दरगाह में तब्दील हो गई। ये मिरात ई मसूदी ही राजा सुहेलदेव का पहला पुख्ता लिखित जिक्र है। इस दस्तावेज में उन्हें श्रावस्ती के राजा मोरध्वज का बेटा बताया गया है, लेकिन पूरे लिखे में अलग अलग जगहों पर उनका अलग अलग नाम बताया गया है। मसलन सकरदेव, सुहीरध्वज, सुहदेव, सहरदेव और सुहेलदेव। अंत में सुहेलदेव का यूपी की राजनीति से कनेक्शन आपको बताते हैं। यूपी की राजनीति में सुहेलदेव का जातीय समीकरण भी देखने को मिलता है। एक मान्यता है कि सुहेलदेव राजभरों के पूर्वज हैं। राजभर जाति इन्हें अपना आदर्श मानती है। राजभर यूपी के पूर्वांचल की एक पिछड़ी जाति है। सिर्फ राजभर ही नहीं बल्कि पासी जाति भी सुहेलदेव को अपना आदर्श मानती है। इन दोनों की जातियों का पूर्वांचल में बड़ा वोट बैंक है। एक अनुमान के अनुसार पूर्वांचल की 2 दर्जन लोकसभा सीटों पर राजभर वोट 50,000 से 2.5 लाख तक है।
घोसी, बलिया, चंदौली, सलेमपुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अम्बेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही जैसे जिलों में राजभर काफी प्रभावी है। ये वोट बैंक कई सीटों पर जीत हार तय करता है। बीजेपी इन्हें अपनी तरफ लाने के प्रयास लगातार कर रही है। इस वोट बैंक पर बीजेपी सरकार में 2017 से 2019 तक मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अकेले दावेदारी करती थी। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का नाम ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। सुहेलदेव का नाम लेकर उन्होंने राजभरों को एकजुट करने के लिए काफी कोशिशें की। 2022 की विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने भी जातियों की गोलबंदी शुरू कर दी है। ऐसी चर्चा है कि राजभर जाति पर ओम प्रकाश राजभर के प्रभाव को कम करने के लिए बीजेपी ने महाराजा सुहेलदेव को अपना आइकॉन बनाया है। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी अमित, देखते रहिए डील अलर्ट।